कहानी स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं तीन बौद्ध भिक्षुक। और वो तीन बौद्ध भिक्षुक चाइना में रहते हैं। उनका नाम कोई नहीं जानता क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया, और चीन के लोग उन्हें बस तीन हंसते हुए भिक्षुक के नाम से जाना जाता है। और वो तीनों बस एक ही काम करते, एक गाँव में जाते, गाँव के बीचों बीच जाकर जोर जोर से हंसने लगते। उनका हंसना देख के गाँव के और लोग भी हंसने लगते थे, और वो तीन भिक्षुक सबको हंसता छोड़ के वहाँ से चले जाते थे। और वो तीन भिक्षुक जहाँ भी जाते हैं अपनी हंसी से ऐसा माहौल बनाते थे कि लोग अपना दुख दर्द भूल के उनके साथ हंसने लगते थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया लोग उनसे प्यार करने लगे, और चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इसके पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया। और वो तीन भिक्षुक किसी पर हंसते नहीं थे, वो बस हंसते ही थे, और लोग उनसे नाम पूछते और वो तीनों बस हंसते। इसलिए उनका नाम पड़ गया थ्री लाफिंग मैन। पूरे चाइना में घूम घूम के लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वो तीनों भी बूढ़े हो गए। और एक रात जब वो एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों भिक्षुक में से एक की मौत हो गई और पूरा गांव गम में था। लेकिन वो दोनों भिक्षुक नहीं रोए थे, बल्कि वो दोनों भिक्षुक हंस रहे थे अपने साथी की मौत पे भी। और गांव के कुछ लोगों ने उन दोनों भिक्षुकों को समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था, आपको इसकी मौत पर हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की कि हम हंस रहे हैं, ये आदमी जीत गया है। क्योंकि हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मर के हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। और इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, एक साथ हम हंसे और एक साथ उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब इस भिक्षुक को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तब गाँव वालों को एहसास हुआ कि शेष दो भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे हैं। वो जो तीसरा भिक्षुक था वो भी हंस रहा था। लेकिन मरने से पहले उस साथी भिक्षुक ने अपने साथियों से कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे कपड़े ना बदले जाएं। और जब उस तीसरे भिक्षुक के शरीर पर आग लगाई गई तो उन गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे, जो आग लगने के बाद फटके आसमान में रंग बिरंगे कदरों में फैल गए। और यह देख के एक बार फिर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह से वो साधु मरने के बाद भी पूरे गाँव वालों को हंसा गया। और ये देख के उन दोनों भिक्षुकों ने कहा कि चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन मरने के बाद भी एक बार तुमने फिर हमें हरा दिया। और तुम्हारे द्वारा पैदा की गई ये आखिरी हंसी गाँव वालों की आखिरी हंसी थी। और बस इस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है।